तो अब बी के साइन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। बी के साइन से पहले मेरा पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। उसमें ये वाला पॉइंट जो मिनिमम पॉइंट होता है ना, ये मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाय टू ए, वाई का कोऑर्डिनेट होता है माइनस डी बाय फोर ए, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो डी क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से कि एक्स की वैल्यू मुझे अगर निकालना हो तो वो कितनी आती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, जिसमें ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट, और इसके हिसाब से मैं डिसाइड करता था कि मेरे रूट्स का नेचर कैसा है, ठीक है। सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है मेरा, डी, तो माइनस डी बाय फोर ए मेरा इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अब मुझे बी का साइन चेक करना है ना, तो मेरे को सिर्फ इस वैल्यू की ज़रूरत है, किसके, एक्स कोऑर्डिनेट की, ठीक है। इससे मेरे को बी का साइन पता लग जाएगा। देखिए अब कैसे, इस कर्व में आप ये बताइए कि एक्स मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक्स मेरा क्या है, पॉजिटिव है, देखिए ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक सेकेंड रुकना, ये है एक्स मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन, ये होता है एक्स मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। तो अभी एक्स कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, देखो ये पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब ही क्या है, माइनस बी बाय टू ए ये कैसा है, पॉजिटिव है या फिर ग्रेटर देन जीरो है ना। अब कर्व मेरा ऐसा बन रहा है, कर्व ऐसा बन रहा है, इसका मतलब ए भी मेरा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है ना। तो ये ए मेरा क्या है, पॉजिटिव है ना। इस पूरी वैल्यू को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, जिसमें ए पॉजिटिव है। अब बी ऐसा क्या रखूं जिससे कि ये पॉजिटिव हो जाए पूरा एक्सप्रेशन, एक माइनस साइन है, अगर मैंने बी को नेगेटिव रखा तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इस केस के लिए बी क्या आ रहा है, लेस देन जीरो, ठीक है। तो ऐसे मैं बी का साइन चेक करता हूं, ठीक है ना। अब देखो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। अभी मैंने ऐसा कुछ रखा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब देखो ये पॉइंट आ रहा है मेरा क्या, माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस डी बाय फोर ए। अब ये देखो ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ गया है ना, इसका मतलब कि माइनस बी बाय टू ए मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, है ना। लेकिन कर्व कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, इसका मतलब ए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होता है तो कर्व कैसा, ऐसा बनता है ना, जो पॉइंट है ऐसा। भाई अभी कर्व कैसा बन रहा है, ये अपवर्ड की तरफ है ना, और कर्व जो ये नेगेटिव होता है तो कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। तो अभी अपवर्ड जा रहा है ऐसा, है ना। तो ए मेरा क्या है, पॉजिटिव है। अब ए पॉजिटिव है, इस पूरी वैल्यू को नेगेटिव होना चाहिए, तो उसके लिए बी पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव रखूंगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस केस में बी मेरा क्या आ रहा होगा, नेगेटिव, ओ सॉरी, बी क्या आ रहा होगा मेरा, पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बी का साइन कैसे चेक करूंगा मैं, है ना। बी का साइन कैसे पता लगेगा, तो मैंने तीनों चीज के साइन देख लिए, ए का साइन भी देख लिया, बी का साइन भी देख लिया और सी का साइन भी देख लिया, है ना, कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल्स देख देख के बताते चलता हूँ, ठीक है, कि सबसे पहले तो ए बी और सी का साइन कैसे देखते हैं, फिर उसके बाद हम ये भी देख लेंगे थोड़ा बहुत कि आपका इसको, अगर मेरे को अगर प्लॉट करना हो, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर मेरे को गिवन है और मेरे को एक बेसिक कर्व बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, ठीक है। ओके, तो जैसे कि मेरे पास में कोई कर्व ऐसा बना है,
ऐसा है ना, मेरे को तीन चीज के साइन देखना है, कौन, ए बी और सी, है ना। मैंने ये कोऑर्डिनेट पुट किया, ये क्या आया मेरा, -b/2a है ना, और -d/4a, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आया है ना। अब देखिए, सबसे पहले ए का साइन चेक करते हैं। ए का साइन चेक किया तो ए कैसे पता लगेगा, कर्व ऐसा अपवर्ड की तरफ है या कर्व डाउनवर्ड की तरफ है। तो कर्व अभी अपवर्ड की तरफ है, अपवर्ड की तरफ है मतलब ए कैसा होगा, पॉजिटिव, मतलब ए कैसा है, पॉजिटिव। उसके बाद साइन चेक करते हैं सी का, पहले ए का किया फिर सी का। सी क्या बताता है, वाई एक्सिस से इंटरसेक्शन, ठीक है। वाई एक्सिस से इंटरसेक्शन देखो, ये वाला है पॉजिटिव, ये वाला है नेगेटिव। तो ये देखो नेगेटिव पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नेगेटिव पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब सी कैसा हो गया, नेगेटिव है ना। अब बी का साइन देखना है, तो बी का साइन कैसे चेक होगा, -b/2a से। -b/2a मेरा ये कहाँ है, पॉजिटिव तरफ है या नेगेटिव तरफ है, ये तो पॉजिटिव तरफ है, तो -b/2a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ए मेरा पॉजिटिव है ना, पूरी वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है, तो बी मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बी क्या होगा, नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव होंगे, तो बी कैसा होगा, नेगेटिव। मैंने तीनों साइन देख लिए, तीनों साइन किसके आ रहे हैं, इस कर्व के। तो मैं कर्व को देख के साइन बता पा रहा हूँ है ना। अब देखो एक और कर्व बनाते हैं अपन। मैंने कर्व बनाया कुछ इस तरीके से है ना। तो अब देखिए, ये पॉइंट है मेरा मैक्सिमम वाला, ये वाला है ना। ये पॉइंट क्या हो गया, -b/2a कॉमा -d/4a, ऐसा कुछ। वापस तीन चीजें चेक करना है, ए बी और सी है ना। सबसे पहले ए का साइन, ए का ये कर्व डाउनवर्ड की तरफ है, नीचे की तरफ है, मतलब ए कैसा होगा, नेगेटिव। तो ए का साइन पता लग गया, नेगेटिव, ठीक है। अब सी, सी क्या बताता है, वाई एक्सिस से इंटरसेक्शन। वाई एक्सिस से इंटरसेक्शन कहाँ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो सी मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब बी, बी का साइन मेरे को चेक करना है, तो -b/2a देखूंगा, -b/2a, -b/2a एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ग्रेटर देन 0 है ना। इसके बाद में ए मेरा क्या है, नेगेटिव है, ए मेरा क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन गया, पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन गया, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव साइन हट गया है, अब इस वैल्यू को सोचो पॉजिटिव होना चाहिए, तो बी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो बी मेरा एक पॉजिटिव नंबर होगा। बी मेरा क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर। आए समझ में ये चीज, इतना आया समझ में, ठीक है। ये बेसिक आइडिया है कि मैं मतलब इसके साइन देख के, इसके क्या बोलते हैं, इस कर्व को देख के ए बी और सी के साइन बता सकता हूँ कि ये पॉजिटिव होंगे या ये नेगेटिव होंगे, ठीक है। होपफुली इतना समझ में आ गया हो, है ना। आप चाहो तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, है ना। मान लीजिए मैं कर्व ले लेता हूँ ऐसा कुछ, ऐसा कुछ है ना। अब देखिए, इसमें ये पॉइंट है मेरा -b/2a है ना, ये पॉइंट है सी वाला। वापस ए बी और सी, ए अब ये डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, सबसे पहले ए चेक करूंगा, डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है मतलब ए नेगेटिव है ना। अब बी की बात करूं, ओ सॉरी सी की बात करूं, तो सी वाई एक्सिस से इंटरसेक्शन देखो कहां पे कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहा है, तो सी कैसा, नेगेटिव। बी का साइन चेक करना है, बी के लिए -b/2a, -b/2a कहाँ है, इधर है या इधर है, इधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ए, ए मेरा क्या है, डाउनवर्ड है, तो ये नेगेटिव है,
नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब ये वैल्यू नेगेटिव का होगी, जब बी नेगेटिव होगा, बी क्या होगा मेरा, नेगेटिव होगा, तभी तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी मेरी, लेस देन जीरो होगी। तो बी का साइन भी क्या आ गया, लेस देन जीरो। ठीक है, होपफुली आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आया हो, साइन कैसे चेक करते हैं। ठीक है, ओके।